गाइस क्या हाल है। चले मैं आपको अपनी फ्रिज का विजिट करवाती हूँ। पहले तो मुझे ये बताएं कि किन किन के घरों में अभी तक कुर्बानी का गोश्त मौजूद है। अच्छा जी, हमारे घर में भी है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 6 जो है ना वो हमारे अभी पैक पड़े हुए हैं मीट के। कुछ जो है वो उसमें मीट है और कुछ इसमें जो है वो बीफ है। बट मैं ये बता दूं कि हमने कुर्बानी नहीं देखी, ये हमारे रिलेटिव्स की तरफ से हमें आया है और वो अभी तक हमारे पास पड़ा है, क्योंकि हमारी खाने की स्पीड बहुत कम होती है। तो जी, ऊपर वाले खाने में हमारा जो अभी तक कुर्बानी का गोश्त मौजूद है। तो जी, ये हो गया कुर्बानी का गोश्त। और नीचे वाले का ज़रा विज़िट करवाती हूँ। ये अभी ऊपर से जो है वो ब्लड के ड्रॉप नीचे गिर रहे हैं। बाकी ये देखें क्रीम, ये टूथपेस्ट है, नीचे कोई खाने पीने वाली चीज़ कोई नहीं है। मैं आपको बता दूँ, ये एलोवेरा जेल है जो हम अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। मुझे बहुत सूट करती है, अगर मेरे एक्ने हो तो वो फ़ौरन से दूर हो जाती है। और हाँ, ये दिखा दूँ कि ना, दिखा ही देती है। ये जो है वो नाइट क्रीम है जी, ये मैं नहीं मेरे भाई ले रहते हैं, ठीक है। और नीचे जो है वो हमारे थोड़े वो सोया सॉस वोया सॉस हैं। ये जो है वो फ्रूट ड्राइपर में डालने के लिए फ्रूट कॉक्टर होते हैं। ये जो है वो सिरका है जो चिकन को बुलाता है, बीफ को बुलाता है, मीट को बुलाता है। और ये सोया सॉस है जो है उसकी स्मेल को ख़त्म करता है। बस ये, और ये कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं बची कुछ चीज़ें तो। और हाँ, जो आज हमने बनाया, आप लोग कमेंट में बताएं कि आपने आज क्या बनाया। हमने जो है वो आज बनाए थे कोफ्ता पुलाव, ठीक है। तो बहुत मज़े का मैंने था, हमने इंजॉय किया, खाया, क्योंकि हमारे यहाँ पर बारिश हुई थी तो हम थोड़ा वेदर को इंजॉय किया था। बाकी जी, ये हमारा छोटा सा एक रूम है, ये हमारे रूम में एक जो है वो सेफ पड़ी हुई है। सेफ अगर साफ हुई तो मैं विजिट करवा देती हूँ, बट अगर हुई गंदी तो माफ़ कर दीजिएगा। तो जी, यहाँ पे जो है वो मेरे भाइयों के कपड़े होते हैं ज़्यादातर, और तो हमारे इस वार्डरोब में किसी के कुछ भी नहीं होता, बस मेरे भाइयों के ही कपड़े होते हैं। उनकी ट्रोज़र शर्ट, उनके ड्रेस, उनकी वेस्ट कोट्स और बाकी अदर थिंग्स वो जो है वो ये पड़ी होती हैं। यहाँ पे हमने अपने स्टोरेज वगैरह हैंग किए होते हैं। ये हमारा ये हो गया। इस तरह से आपको ये देखें जी, मैंने आपको कहा ना, पूरी सेफ में भाइयों ने अपना कब्जा किया हुआ है। वहाँ पे ट्रोज़र शर्ट हैंग किए होते हैं जो उन्होंने खेलते वक्त पहने होते हैं, और यहाँ पे उनके जो है वो कॉटन के वॉशिंग वेयर के और बाकी ड्रेसेस वगैरह होते हैं। ये बड़े भाई का है, ऊपर वाला पोर्शन बड़े भाई का है, नीचे वाला छोटे का है, और बाकी इधर अगर कोई शर्ट वगैरह सिंगल हो पेयर ना पूरा तो वो इधर होते हैं। नीचे जो है ना वो मेरी जो है वो मम्मी जी का है पोर्शन, और ऊपर हमारे जो है वो नान पाक पड़े होते हैं। बाकी जी, आप लोग भी बताएं कि आपकी किन किन की सेफ में जो है वो कुरान पाक पड़े होते हैं, और बाकी बताएं कि किन किनों ने जो है वो वैसे रखे होते हैं। ये जो है ना वो हमारे इस रूम की सबसे बकवास चीज़ है, मुझे ये बहुत बुरी लगती है। ये गठलियाँ बना के इसको ऐसे कर देना, मैं कितने मरतबा कह चुकी हूँ कि ये यहाँ पे ना रखा करें। इसको मैंने तह लगा के भी रखा होता है, बट मेरी मम्मी का कहना है कि शादी वाले जो कपड़े होते हैं, भारी भरकम जोड़े जो होते हैं ऐसे लश्कम पश्कम वाले, उनको ना कवर करके गठली के अंदर बांधना चाहिए, इसको सेफ में नहीं रखना चाहिए। तो मैं जितने मरतबा भी जो है वो तह लगा के रखती हूँ, मेरी मम्मी जो है वो फौरन से अपनी वही देसी माँ वाला टोटका निभाती हैं, गठली बांधती हैं, उसमें जो है सारे कपड़े रख देती हैं। बाकी ये हमारा जो है वो ओवन है, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा ओवन रहा है। मेरी आपी की शादी थी तो तब हमने दो ओवन लिए थे, अब तो महंगा हो गया होगा, बट ये बहुत अच्छा, हम इसको एक मरतबा भी जो है वो इलेक्ट्रिशियन के पास नहीं लेकर गए। बहुत अच्छा है, इसकी हीटिंग पावर सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है अभी तक। बाकी ये ओवन की जो है वो अंदरूनी हालत है, ये मैंने चावल खाए थे और मेरे बच्चे गए वो इसमें मैंने रख दिया।